दोस्तों, पनीर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाना नेचुरल बात है, क्योंकि है ही इतना टेस्टी। पनीर खाना सभी को अच्छा लगता है। पनीर का इस्तेमाल मिठाई से लेकर कई प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। ये न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। पनीर को बनाने के लिए साइंस का नियम लागू होता है, क्योंकि इसे भी बियर और वाइन की तरह ही फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है, इसलिए इसे वाइन ऑफ फूड भी कहा जाता है। पनीर में प्रोटीन के अलावा और भी कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन D और भी कई सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसे आप सब्जी, सलाद, मिठाई, सभी तरह के फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पनीर खाने से सेहत को होने वाले बेहतरीन फायदे और उससे होने वाले कुछ नुकसान हैं, वो भी जरूरी है बताना। चलिए अब बात करते हैं पनीर के फायदों की। सबसे पहले बात करते हैं पनीर के फायदों की। फायदा नंबर एक, पनीर के सेवन से चेहरे पर नई चमक आती है, क्योंकि इसमें विटामिन B है जो हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने में सहायता करता है। इसलिए पनीर को अपने आहार में शामिल करें और अपनी त्वचा पर जादू असर देखें। फायदा नंबर दो, पनीर में प्रोटीन काफी हाई क्वालिटी में पाया जाता है। पोषक तत्वों को बढ़ाकर बनाए गए फोर्टिफाइड पनीर में विटामिन A, विटामिन D भी पाए जाते हैं, जो खिलाड़ियों और बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी माने जाते हैं। जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें पाए जाने वाले फैट, प्रोटीन और अन्य तत्व वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं। फायदा नंबर तीन, टेंशन से राहत दिलाएं। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, तो सोने से पहले खाने में पनीर का जरूर इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको अच्छी नींद आती है, क्योंकि इसमें ट्राइप्टोफैन अमीनो एसिड होता है, जो टेंशन को दूर करने में सहायक होता है। फायदा नंबर चार, विटामिन D से भरपूर होता है। पनीर में प्रोटीन के अलावा विटामिन D काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये दांतों के ऊपर जमने वाले बैक्टीरिया और कैविटी को खत्म करता है। इससे नियमित रूप से खाने से दांत स्वस्थ रहते हैं। फायदा नंबर पाँच, हड्डियों को मजबूत बनाता है। पनीर में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। पनीर में प्रोटीन, विटामिन A, जिंक, फास्फोरस इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन D भी पाया जाता है। ये सभी तत्व हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं, इसलिए बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बूढ़े लोगों को हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए पनीर जरूर खाना चाहिए। इसमें लैक्टोज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे खाने से मीठे के कारण दांतों को होने वाला खतरा काफी कम हो जाता है। फायदा नंबर छह, गठिया से राहत दिलाएं। गठिया होने की वजह कैल्शियम की कमी मानी जाती है। गठिया के मरीजों को पनीर जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और अन्य मिनरल तत्व गठिया की बीमारी को दूर करने में मददगार होते हैं। फायदा नंबर सात, दांतों को मजबूत बनाना। जी दोस्तों, पनीर में कैल्शियम हाई क्वालिटी में हाई रेशो में पाया जाता है, जो दांतों को मजबूत बनाता है। पनीर में लैक्टोज कम मात्रा में होता है। लैक्टोज ऐसा पदार्थ है जो खाने से निकलता है और दांतों को हानि पहुंचाता है। पनीर मुंह में लार को बढ़ाता है, जिससे दांतों से शुगर और एसिड साफ हो जाते हैं। फायदा नंबर आठ, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। जी हाँ, पनीर को खाने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, तो जाहिर है शरीर कई सारी बीमारियों से आसानी से लड़ सकता है। इन सभी फायदों के अलावा भी पनीर के कई और भी फायदे हैं, जैसे पनीर में प्रोटीन होता है, जो बॉडी की एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माओं को पनीर जरूर खाना चाहिए। पनीर में विटामिन A पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी, दिल और किडनी के लिए फायदेमंद होता है। पनीर बढ़ती उम्र के साथ पेट में होने वाली समस्याओं से भी बचाता है। पनीर को नियमित रूप से खाने पर पीठ और जोड़ों से संबंधित समस्याओं से निजात मिलती है। जो लोग जल जाते हैं, उन्हें भी पनीर खाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। इसमें जिंक होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पनीर को नियमित खाने से खून बढ़ता है, लीवर मजबूत होता है और बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को सोखने में आसानी होती है। इसमें विटामिन B12 होता है, जो नर्वस सिस्टम के लिए फायदेमंद माना जाता है। अब जान लेते हैं पनीर खाने के नुकसान और इसकी सावधानियां। जी हाँ दोस्तों, पनीर खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पनीर खाना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। पनीर को आप किसी भी तरह से खा सकते हैं, लेकिन सब्जी बनाते समय इसे ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, वरना इसके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। आप दिन भर में 20 से 50 ग्राम पनीर खा सकते हैं। पनीर में सैचुरेटेड फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपके दिल को भारी नुकसान होता है। इससे आपको दिल की बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है। पनीर वजन को बढ़ाता है, इसलिए जो लोग वजन कम करने जा रहे हैं, उन्हें पनीर नहीं खाना चाहिए। ज्यादा पनीर खाने से शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपको दस्त भी लग सकते हैं। किडनी के मरीजों को डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही पनीर खाना चाहिए। तो देखा दोस्तों, कितने सारे फायदे हैं पनीर खाने के, लेकिन इनके साथ में कुछ नुकसान भी हैं, जो हमने आपको बताए हैं। इन नुकसानों को भी अवॉइड न करें, आप लिमिटेड पनीर खाएं, लेकिन अपनी दिनचर्या में पनीर को जरूर शामिल करें, क्योंकि इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। तो चलिए, मिलूंगा मैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए।